डकरा स्थित एटक कार्यालय में यूसीडब्ल्यूयू असंगठित मजदूर कमेटी गठन को लेकर बैठक हुई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में यूनियन के केंद्रीय सचिव सह वेलफेयर बोर्ड सदस्य अशोक यादव शामिल हुए। बैठक से पूर्व कार्यालय में झंडोत्तोलन कर शहीद वेदी पर श्रद्धांजलि दी गई, जिसके बाद कृष्णा चौहान और अमृत भोक्ता को अध्यक्ष मंडली के लिए चुना गया। इस दौरान एरिया सचिव प्रेम कुमार, अरविंद शर्मा, कृष्णा चौहान, अशोक राम, चंदन शर्मा, नारद राम, जितेंद्र सिंह, अमृत भोक्ता के द्वारा असंगठित मजदूरों की समस्याओं को लेकर संबोधन किया गया, जिसके बाद सर्वसम्मति से 31 सदस्यीय असंगठित मजदूर कमेटी एनके पिपरवार का गठन किया गया, जिसमें चंदन शर्मा को अध्यक्ष, किशुन लोहार, रिंकी कुमारी, सुदामा राम, गुलाब ठाकुर, अजीत पांडे उपाध्यक्ष बनाए गए। नारद राम को कार्यकारी अध्यक्ष, जितेंद्र सिंह को सचिव बनाया गया। वहीं अजमल अंसारी और सुरेंद्र राम को सहसचिव, जनक अंसारी, सागर राम, मनु तुरी को संगठन सचिव, आनंद तुरी को कोषाध्यक्ष, गीता देवी को सह कोषाध्यक्ष बनाया गया। इसके अलावा बाकी लोगों को कार्यकारिणी सदस्य के रूप में चयन किया गया। जिन क्रांतिकारी साथियों का मैं हमारे भी आनंद तुरी जी और जिन क्रांति में जिनका किन्हीं का अगर नाम छूट गया होगा, तमाम लोग को मैं एटक का हम लोग जब छोटा छोटा थे, आज असंगठित मजदूरों की यह सभा हो रही है। अलग अलग क्षेत्र से लोग आए हैं और असंगठित मजदूर CCL का आज के ज़माने में मुख्य मजदूर है। कोयला का 60% से ज़्यादा उत्पादन असंगठित मजदूरों के द्वारा किया जाता है। इनकी स्थिति दयनीय है, इनको उचित वेतन नहीं मिलता है। जो कानूनन इनको पेस्लिप मिलना चाहिए, कानूनन इनको जो है स्वास्थ्य का सुविधा मिलना चाहिए, वो सब कुछ नहीं मिलता है। अभी कोल इंडिया लेवल पर भी यूनियन हमारा इस बात को प्रमुखता से उठा रहा है और हम संगठित करने में लगे हुए हैं। अब ये तो असंगठित है, अगर इन पूरी तौर पर संगठित हो जाते हैं तो हम एक बड़े आंदोलन पर जाएंगे और धीरे धीरे जो रेगुलर मजदूरों को जो सुविधा है, वेतन है, हमारा लक्ष्य वहाँ तक जाने का है।